बता दें, नोएडा प्राधिकरण की एफडी में सेंधमारी का मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी, जहां पर नोएडा प्राधिकरण की एफडी में सेंधमारी का मामला, 200 करोड़ की एफडी में सेंधमारी का मामला है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, 4 अभी फरार है। पुलिस ने एक आरोपी अब्दुल खादिर को गिरफ्तार किया है। आई कार्ड, मुहर, आधार कार्ड और पैन कार्ड इस दौरान बरामद किए गए हैं। अन्य 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है, 4 टीमें लगाई गई हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां 200 करोड़ की एफडी में सेंधमारी का ये मामला है और इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि 4 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसका नाम अब्दुल खादिर बताया जा रहा है। वहीं उसके पास से आई कार्ड, मुहर, आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद किए गए हैं और अन्य 4 आरोपी जो फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है। 4 टीमें उनके पीछे लगाई गई है। नोएडा प्राधिकरण की एफडी में सेंधमारी का यह पूरा मामला है जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज दिनांक 7 जुलाई 2023 को थाना 58 पुलिस द्वारा नोएडा अथॉरिटी के साथ हुए 3.8 करोड़ रुपीस के फ्रॉड में एक अभियुक्त जिसका नाम अब्दुल खादिर है और वो मूल रूप से पौंडीचेरी का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया। अब्दुल खादिर के पास से 2 फर्जी नोएडा अथॉरिटी के आईडी कार्ड, 1 फर्जी मुहर और 2 बैंक ऑफ इंडिया की विड्रॉल स्लिप्स भी बरामद हुई। अब्दुल खादिर द्वारा बताया गया कि मधुपोला और राजेश के कहने पर उसने इस आपराधिक गतिविधियों का अंजाम दिया और वह कई बार नोएडा अथॉरिटी और बैंक गए भी हैं और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है।